हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल यस एस करिज्मेटिक केमिस्ट्री पे। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइलम जो हमने छोड़ा था, जहां से एस थेलमेंथेस से आगे करेंगे एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे आने चांसेस ये दोनों में से ही रहते हैं, अगर वो लोग ज्यादा छेड़खानी आपके क्वेश्चन से ना करें। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस हमारी पास की नहीं देखी है तो आप लोग को थोड़ी दिक्कत होगी इसे समझने की कि हम एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जो हर एक फाइलम में हम देखते हैं। तो वो आप प्लीज जाके पास्ट वीडियोस देखिए सो दैट कि हमारा ये वीडियो फट से कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं फाइलम एनेलिडा। ये आप लोग पहली बार ये सब नाम सुन रहे हैं तो एनेलिडा आर्थ्रोपोडा ये सब आप लोग को सुनने में बहुत अजीब लगता होगा कि ये सब नाम कैसे हैं, लेकिन आप लोग को ना कि धीमे धीमे फटाफट आप लोग को ये सब याद करते हुए जाना, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक बच्चा था जिसको तो उसको तो ऐसे ही याद कराया था कि वो कौन सा कीड़ा एनेलिडा एनेलिडा बोलता था। कई बार तो उसने क्लासरूम में भी ऐसा बोल दिया कि अरे कौन सा कीड़ा है, तो सर भी हंसने लगे थे कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसने ऐसे ही याद किया था कि वो कौन सा कीड़ा एनेलिडा। तो आप लोग फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे हो ना तो आप लोग को थोड़ा कोई ना कोई ट्रिक फॉलो करना होगा। जैसे प्लैटी हेलमिंथस में प्लेट वाला हेलमिंथ बोलते थे, जो भी रहे मिंथ बोलो, जैसे भी आप लोग अपने टंग में जो भी, क्योंकि आपका लोकल लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज जो होगा आप वो फॉलो करके इसे बनाते जाइए और अपने टंग ट्विस्टिंग टाइप ये जो नाम है उसको यूज तो होते जाइए। तो एनेलिडा, एनेलिडा में सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग जो देखे हमेशा वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म को मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं, गांडुल भी बोलते हैं। तो वो सब चीजें आती हैं एनेलिडा के अंदर। तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है उनकी बॉडी, इस तरह से आप लोगों ने जरूर देखा रहेगा ऐसे सेगमेंटेड रहती है और जनरली 13-14 सेगमेंट का अधिक बड़ा सा गैप है। क्या गैप को मैं अलग कलर से दिखा देता हूं पूरा, ये तो ये पूरी बॉडी यही पूरा आपका फॉलो करेगी। और तो यहां पे हो गया हमारा माउथ, ये इनका एनस, ये क्लाइटेलम और ये सेगमेंट। ये हमारा क्या है, अर्थवर्म। तो लिख लेते हैं इसे अर्थवर्म। अर्थवर्म दूसरा आप लोग को एग्जाम्पल जो इसने कहा है वो है लीच का। तो लीच जनरली इस तरह के होते हैं, इनकी बॉडी भी सही होती है। अगेन उनमें एनस माउथ, ठीक है लीच। होपफुली आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे पास्ट के हमारे वीडियो जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और उसमें आप लोग कमेंट जरूर करिए अपने जो भी डाउट हो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग नेरिस का। नेरिस का भी सेम ही स्ट्रक्चर आप लोग को ड्रॉ करना है कि तो इनकी बॉडी भी सेगमेंट रहती थी, ये सेगमेंट हो गया बॉडी के, ये एनस माउथ, ये जो आपने ओपनिंग दिख रही है माउथ की है, और ये जो दिख रहा है ये टेंटैकल्स है। जनरली आप लोग यूज्ड टू हो चुके हैं ऐसे जो भी आउटडोर में से टेंटैकल्स ही बोलेंगे। और यहां पे आप लोग को ऐसे छोटे छोटे हेयरी ग्रोथ दिखेंगे दोनों साइड पेयर। ऐसे हेयरी ग्रोथ को बोलते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए पैरापोडिया। ये तो हमने तीन एग्जाम्पल देखे, पहला अर्थवर्म, दूसरा लीच, तीसरा नेरिस।
चलिए अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं वन बाय वन करके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इस पहले इनके, जैसे आगे दिख रहा है ये लोग लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग अच्छा सिलेंडर शेप के दिख रहे हैं कि नहीं, सब सिलेंडर शेप के दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल एंड मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड, मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड। अच्छा मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, जो इनमें जो ये सेपरेशन हुए जो सेगमेंट्स दिख रहे हैं ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये डिस्टॉर्टेड दिखेगा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, ये बहुत प्लेजेंटली कैसे बोलते हैं सेपरेटेड है, तो वैसे प्लेजेंटली सेगमेंटेड बॉडी को बोलते हैं मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड, और दिखता भी आपको विजिबल भी रहता है कि हाँ सेगमेंट है इनके अंदर। दूसरा अब इनके अंदर जो मूवमेंट होता है उसके कैसे मूवमेंट करते हैं, कुछ के अंदर सेटे रहते हैं, कुछ के अंदर सकस के थ्रू करते हैं, कुछ पैरापोडिया के थ्रू करते हैं। पैरापोडिया क्या हुआ, स्मॉल 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 हेरी पैर जैसे उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं उसे पैरापोडिया बोलते हैं, तो पैरापोडिया हो गया हमारा नेरिस के अंदर, सकस हो गया लीच के अंदर, सेटे रहते हैं हमारे अर्थवर्म के अंदर, ये ध्यान रखना आपको। थर्ड अब ये कैसे रहते हैं, इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है, यू सिलमेट मतलब सीलम इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये ध्यान रखिए यू सिलमेट बायलैटरल सिमेट्री होगी और यू सिलमेट ही, ये आपको ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट कहां मिलते कहां पे, ये आप ये हर जगह मिलते फाउंड एवरीवेयर, कहाँ कहाँ, मरीन फ्रेश वाटर एंड लैंड, और टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अब इनकी जो बॉडी है ये लेयर जो जिसके थ्रू पूरा ये स्ट्रक्चर अरेंज है ये भी बना होता है स्पेशल क्यूटिकल से, क्यूटिकल क्या स्किन ही है, क्यूटिकल स्किन ही है लेकिन ये टाइट स्किन है, जैसे कि हमारी लूज स्किन है लेकिन इनके अंदर जो स्किन होती है वो टाइट रहती है, सो दैट की बॉडी अरेंज है प्रॉपर शेप में आगे मूव होती है, तो क्यूटिकल्स से बना होता है इनका भी, ये जो बाहर की कवरिंग तो ये स्पेशल क्यूटिकल से बना होता है। सिक्स अब सबके अंदर जैसे कि क्लाइटेलम इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, इनके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, अर्थवर्म लीच और नेरिस, ठीक है। और सेवेंथ पॉइंट लिख लेते हैं इनका कि सेक्स कैसे देते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ये मैं अलग कलर से लिखता हूं, हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और यूनिसेक्स, हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैंने क्या बताया था, मेल फीमेल सेक्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी, हम ह्यूमंस में कैसे अलग सेक्स, फीमेल अलग है मेल अलग है, इनके अंदर मेल फीमेल एक ही के अंदर रहता है। एग्जांपल है सबसे अच्छा हर्माफ्रोडाइट का अर्थवर्म, और मैंने एक हर्माफ्रोडाइट का आपको एग्जाम्पल दिया था, वो था हमारा प्लैटीहेलमिंथेस के अंदर हमने वो हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल देखा था। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल भी रहते हैं, ये जर्नी के पूरे फाइलम के अंदर आपको सब एक ही बॉडी के अंदर आपको पूरे सेक्सेस मिल जाए, नहीं अलग अलग भी मिलने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। तो ये हो गया इनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर ये कैसे करते हैं। दूसरा जो अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखना है वो ये वाला है, सेटे पैरापोडिया, ठीक है, एंड सकस, ये सब हमको इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है फाइलम एनेलिडा के। अच्छा इसमें से कुछ कुछ क्या रहते हैं, पैरासिटिक भी रहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, फ्री लिविंग का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, फाउंड एवरीवेयर एक्टोपैरासाइट्स भी हैं, एक्टोपैरासाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल है लीच, ये देखा रहेगा आपने एनिमल्स के
जनरली वाटर बॉडीज में होते हैं और एनिमल्स की स्किन को अटैच करके पूरा ब्लड सक करते हैं, तो ये एक्टो है, बाहर से अटैच है बॉडी के ऊपर, तो एक्टो पैरासाइट। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल में क्या क्या लिखना है, तो इतने पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिखते प्लस ड्रॉइंग ड्रॉ करते हो आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो होपफुली आप लोग ये सब ध्यान रखोगे कि एनएलईडा के अंदर क्या क्या आपको लिखना है। अर्थ होम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सब लोग लिख भी लोगे इसमें कुछ ऐसा टफ टर्म नहीं जो आप लोगों को नहीं आता होगा, सबका ड्रॉइंग भी आपको ड्रॉ करने को लेवल करने की भी आ जाए। तो क्लाइटेलम बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पे टेंटाकल्स और पैरापोडिया, तो उसे मैंने अलग कलर से आप लोग को लिख के दिखा दिया, तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है। सो इसी के साथ हमारा ये फाइलम भी खत्म होता है, हमने 5 फाइलम खत्म कर लिया, कौन कौन सा, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिंथेस, एस हेलमिंथेस और एनेलिडा था। अब चलते हम लोग 6 की तरफ जो इम्पोर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा, देखिए पोडा मतलब पैर, आर्थ्रो मतलब आपके अपेंडिक्स, मतलब ये आपके थोरैक्स से अटैच, थोरैक्स मतलब क्या, ये हेड होता है बीच में थोरैक्स, उसके बाद लोअर बॉडी एब्डोमिन का होता है। सो जनरली ये एनिमल्स के अंदर इनके जो पैर है वो अटैच रहेंगे थोरैक्स रीजन से, तो जिनके जिनके पैर अटैच रहेंगे थोरैक्स से उनको बोलेंगे हम लोग आर्थ्रोपोडा है, ये ध्यान रखना है, बेसिक मीनिंग आर्थ्रोपोडा का यही है। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉकरोच का, कॉकरोच आपको ड्रॉ करना है, ये 3 पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर दीजिए, ये उनका एब्डोमिन का रीजन हो गया, ये उनके विंग्स। अब ध्यान रखना कि इनके आपको पैरापोडिया आपको बनाने हैं, पैरापोडिया मतलब इनके पैर, तो इस तरह से आपका कॉकरोच ड्रॉ हो जाता है। तो आपको लेबल करने के लिए क्या सबसे अच्छा है, नाम लिख दीजिए इनका, ये माउथ या हेड रीजन हो गया पूरा इनका हेड, ये इनके एंटीने, ये थोरैक्स वाला, ये जो बीच वाला पार्ट है ये थोरैक्स है, ये मैं कलर कर देता हूं, ये वाला जो जोन हमारा, ये थोरैक्स है, और वहां से देखिए आपको इनके लिम्स भी अटैच है, ये विंग्स, ये एब्डोमेन, ये हमारा, ये आपको ध्यान रखना है किसका हम लोग एग्जाम्पल लिया है, कॉकरोच। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यहीं से हमने ये स्ट्रक्चर से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला इनके क्या रहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। मतलब क्या, इनकी जो बॉडी है उससे इनके लेग्स कुछ ना कुछ पार्ट है, तो इनके केस में इनकी बॉडी से अटैच इनका कंप्लीट लेग, ठीक है, फीट या लेग। दूसरा ये इन्हीं को हम इंसेक्ट्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स सब यही रहते हैं, इंसेक्ट्स एंड फाउंड एवरीवेयर। आपके बुक में लिखा गया है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन, की ओशन के आप सबसे निचले और पार्ट में भी जाओगे ना तो वहां पे आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे, और इवन हाईएस्ट पार्ट माउंटेन्स के ऊपर जाओ या लावा वाले जोन में जाओ इंसेक्ट्स आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसका मतलब क्या, अगर जो डीपेस्ट ऑफ ओशन से हाईएस्ट ऑफ माउंटेन, मतलब इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, ये वन मार्कर के अंदर आ सकता है, ध्यान से रखिए, मोस्ट पॉपुलेटेड फाइलम, पॉपुलेशन ही छोड़ दीजिए, मोस्ट डाइवर्स भी है, मोस्ट डाइवर्स भी, डाइवर्स मतलब वैरायटी बहुत है, ये नहीं किसी कॉकरोच है, बहुत सारे टाइप के हैं, मोस्ट डाइवर्स फाइलम भी है। ये स्पेशलिटी है आर्थ्रोपोडा की, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं अभी, अब इनकी जो बॉडी बनी होती है वो काइटिनस मटेरियल से बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, काइटिनस क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। आपने जनरली देखा जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये सिंपल आप लोग जानते हो, फ्रक्टोज हो गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन काइटिन ऐसे पॉलीसैकेराइड मतलब ये बहुत टफ है, जैसे आप लोगों को बहुत लोगों को लगेगा कि प्रोटीन से बना, नहीं, ये जो इनका आउटर कवरिंग है वो आपको ध्यान रखना है काइटिन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो जो बायोलॉजी आगे लेना चाहते हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब काइटिन बोले तो क्या है और बाकी के लेयर्स के बारे में बात करेंगे तो क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो काइटिनस मटेरियल से बना हुआ है। नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छा उससे पहले एग्जाम्पल पहले कैसे कैसे बायोलैटरल सिमेट्री, दो पार्ट में कट करूंगा तो दोनों अलग अलग, सेकेंड यू सिलोमेट है ये, यू सिलोमेट इनके बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है जो फिल्ड अप है आइदर ब्लड से और मटेरियल से, ठीक है, यू सिलोमेट है, ये आपको ध्यान रखना है किसके केस में, आर्थ्रोपोडा के अंदर, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन भी आप लोग लिख सकते हो कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनके अंदर, ये सब चीजें भी आप लोग जरूर इंक्लूड कर सकते हो। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कॉकरोच आपको ध्यान है, अब क्रैब का नाम आया, मैं इसे अलग कलर से लिखूंगा, रेड से लिखता हूं सो दैट आपको याद रहे, क्रैब और स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, ये सब इसके एग्जांपल। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, मोलस्का आगे मोलस्का होगा, मोलस्का में क्या होता है उनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है जनरली, तो जैसे कि आपने स्नेल सुना होगा, स्नेल के बॉडी के ऊपर कवर, अब क्रैब के बॉडी के ऊपर भी कवर रहता है, और सेम कवर होता है आपने देखा भी होगा हमारे टॉर्टोइस के अंदर भी, उनके ऊपर भी है, लेकिन ये हमारा क्रैब एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा का, हमारा स्नेल एग्जाम्पल है मोलस्का फाइलम का, और रेप्टाइल का एग्जाम्पल है आपका टॉर्टोइस, तीनों अलग अलग है, आप लोगों को तीनों पे कवरिंग मिलेगी, तो आप लोग कंफ्यूज होने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा है, चार नाम आपके लिए बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, दो मैंने लिखे ऑलरेडी स्कॉर्पियन, थर्ड आपका स्कॉर्पियन, अरे थर्ड आपका होगा स्नेल जो हमारा दिखता है, और उसके बाद
टॉर्टॉइज। ये तीनों के तीनों आपको टफ गिरेंगे कि आप लोगों को समझना कैसे, लेकिन आप लोगों को अभी ध्यान रखना है। क्रैब एग्जांपल है हमारा ऑर्थ्रोपोडा का, स्नेल एग्जांपल है, स्नेल एग्जांपल है किसका, मोलस्क का, ये मैं फिर बताऊंगा। और ये टॉर्टल एग्जांपल है रेप्टाइल्स का, ये फाइलम अलग अलग, इसमें कंफ्यूज नहीं। ठीक है, स्नेल की स्पेलिंग गलत लिख दी है तो आप उसको थोड़ा माफ कर देना। ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा याद हो जाना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर है, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी ऑलरेडी मार्क कर दी है मैंने। सिमेट्री आप लोगों को ये इजी देगा ना, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ती, ये सब चीजें हम समझ जाते हैं कि अभी कैसे कैसे होने वाले हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस जो इस फाइलम का नाम ही है, आप ये सब पॉइंट्स भी बना सकते हो दो अलग से। अब पूरा का पूरा मोस्ट एवरी फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन टू द हाईएस्ट ऑफ द माउंटेन्स की तरफ आपको मिलते हैं। काइटिनस मटेरियल किससे बना है वो भी लिख दिया कि ये पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है। तो इतने इन्फॉर्मेशन आपको काफी है आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए, और ये आप लोग को ड्रॉ करने को डायग्राम आ सकता है, ईजी है, आप लोग बनाए नहीं थे सिंपल, आप समझ चुके कि तीन पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर फटफट आप लोग को ड्रॉ करना है। सेकेंडली आप लोग और क्या लेवल करने को आ सकता है डायग्राम, कि आप लोग लेवल करके डायग्राम कंप्लीट करिए, या तो फिर से पूरा का पूरा आर्थ्रोपोडा के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम को एक्सप्लेन करिए, या तो आपको बोलेगा कि कुछ आपको क्विज टाइप देगा कि मैं मेरे जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं और मेरी जो बॉडी है वो काइटिनस मटेरियल से बनी हुई है, तो आप लोग को पता करना होगा फाइलम कौन और वो कौन है। पहली बात तो फाइलम आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में और चीजें मेंशन करनी होगी, और इससे आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपने इतना एंड तक देखा है तो उसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना, और उन्हें बताना कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी सीरीज चालू है जो आप लोग एग्जाम को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।